आज यहाँ आकर एक तरह से समझिए कि आप लोग कहीं ना कहीं से राजनीति के शिकार हो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आज जिस ढंग से खड़े हैं, चाहे उधर पंक्तिबद्ध खड़े हों, चाहे आप लोग खड़े हों, ये आज के दिन में पूरी तरह से वर्जित है। ऐसे हम लोगों को एक जगह खड़ा नहीं होना है। 50 लोगों से अधिक का कहीं पे अनुमति नहीं है कि 50 लोग से ज़्यादा कहीं पर इकट्ठा हों, इसकी अनुमति नहीं है। हाँ, आप यहाँ 2300 लोग इकट्ठे हैं। ये कितना बड़ा, एक तरह से कहिए कि इसको अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है कि जिस संक्रमण से मुक्ति के लिए, जिस संक्रमण से लड़ाई लड़ रहा है पूरा देश, पूरी दुनिया, हमारा राज्य, और आज उस संक्रमण को कैसे आप लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये है। दूसरी बात कि जिस सरकार ने आपको नियुक्त किया था, हाँ, आपके साथ उस सरकार ने खिलवाड़ किया, और आज आकर वो आग में घी डालने का काम कर रही है। आज वो सरकार अगर होती तो क्या आपको नियमित कर देती? ऐसा था आपके, आपने जो बॉन्ड लिखा था उसमें ऐसा कहीं था बॉन्ड में कि आपको 3 साल के बाद आपका नियमितीकरण किया जाएगा? वो सरकार अगर रहती तो आपके आंदोलन को एक दिन में कुचल के, और आप हॉस्पिटलों में दिखते, जेलों में दिखते, और जो भाग पाते वो अपने घरों में दिखते, है ना? आपने देखा पारा टीचरों के साथ क्या किया, रसोईया सेविका सहायिकाओं के साथ क्या किया पिछली सरकार ने, और ये सरकार तो आपके घर की सरकार है, ये झारखंडी जनमानस की सरकार है। आप सभी झारखंडी है ना? हाँ, ये राज किसने बनाया था, किसने इस राज का निर्माण कराया था? गुरु जी ने क्यों झारखंड राज का निर्माण कराया था कि हाँ हम अलग राज बना देंगे, यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ का राजा बनकर रहेंगे? नहीं, आप जैसे लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए, समझ गया ना? और पिछली सरकार ने जो किया उसको ये सरकार दोहराना नहीं चाहती, कतई दोहराना नहीं चाहती। लेकिन अगर पानी सर से ऊपर जाएगा तो सरकार भी कायदे कानूनों में बंधी हुई है। आप ही तो कानून व्यवस्था के रखवाली करते थे ना, कोई भी कानून तोड़ता था उस पर आप लोग कार्रवाई करते थे कि नहीं? लाठी रहता था हाथ में ना, लाठी बरसाते थे ना, है? आज आप कानून के रक्षक ही आप लोग इस तरह का काम करिएगा तो क्या संदेश जाएगा पूरे राज्य में, पूरे राज्य, पूरे देश में? उसके बाद वर्दी पहन के आंदोलन करना, क्या एसएसपी साहब ये क्या पुलिस मैनेजमेंट है कहीं? ये आप लोग एक दूसरा गलत काम कर रहे हैं। सारी बातों को छोड़ दीजिए, जो बात आई गई खत्म हो गई उसको भूल जाइए। अब आप लोग सही रास्ते पर आइए। सही रास्ता का मतलब ये नहीं कि आप गलत, आप जायज तरीके से अपनी मांगों पर, और जो जायज होगा, आपके माननीय मुख्यमंत्री उसी के लिए बैठे हुए हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में हम आपके बीच में हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने भेजा है मुझे आपके कि हमारे भाई लोग, हमारी बहनें इस तरह से मैदान में पड़ी हुई है, और किसी बहकावे में आकर आपका एक प्रतिनिधिमंडल आता, हमारे पास ही आता, किसी अन्य मंत्री के पास जाता, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करते, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी वार्ता कराते, मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी, गृह सचिव स्तर के अधिकारी, DGP स्तर के अधिकारी से आपकी बातें करवाते, आपकी समस्याओं का समाधान निदान होता। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। और आज इस कोरोना काल में सबसे बड़ी बात, इस कोरोना काल में जिसके लिए पूरी दुनिया में मनाही है, और आप लोग सरेआम एक कानून को तोड़ रहे हैं इस तरह से एक जगह इकट्ठा, 50 लोगों से ज़्यादा एकत्रित नहीं होना, पता है ना आप लोगों को? हाँ, अब आप लोग बोलिए कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों को मैंने अपनी बात बता दी कि आप लोग, और दूसरी बात यह है कि कोई नेता जिस दिन अपने घरों को चले जाइएगा, आज आंदोलन है, कल आंदोलन है, 4 दिन है, 8 दिन है, और ये जब तक ही मरहम पट्टी लगाने आएंगे, जब तक ये 2 दिन का सत्र जो है 22 तारीख के बाद हम ही लोग रहेंगे, कोई नेता आपके पास नहीं आएगा जो आज आ रहे हैं आग में घी डालने के लिए।
आज क्यों नहीं पूछते हैं जब माननीय रघुवर दास जी आए तो क्यों नहीं पूछा आपने उनसे कि आपने हमारा नियमितीकरण क्यों नहीं कर दिया? हाँ, क्या क्यों ऐसे बॉन्ड पर साइन कराया हमसे? इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आपने बॉन्ड को पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि आप कोई आंदोलन नहीं करेंगे, किसी विस्तारीकरण की मांग नहीं करेंगे, है ना? लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ, तो आज वो सरकार रहती तो एक दिन में आपको एक ही बहाने पर सिर्फ कि ये कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन कर रहे थे उठाकर और आप लोगों को फिकवा दिया गया था। ये सरकार आपकी है, सभी लोगों को अपना परिवार समझती है, अपना भाई बाप बेटा समझती है, इसलिए ये सरकार आपके आपकी बातों को आपको बार बार मनाने की कोशिश कर रही है कि आप सही तरीके से अपनी बातों को रखें और जो जायज है उस पर सरकार गंभीर है। ये आप लोगों को हम माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों को हम बता रहे हैं। अब आप बताइए क्या कहना है आप लोगों को? बोलिए, कोई एक आदमी कौन वार्ता करेंगे? आप कहाँ से हैं? अच्छा अच्छा, अपना परिचय दीजिए। अविनाश कुमार द्विवेदी सर। अच्छा अच्छा, सर जहाँ तक बात है सर, हम लोगों से गलती हुई कि हम लोग इतना भीड़ हुजूम जमा किए कोरोना में, तो ये नहीं है, लेकिन बात यहाँ है कि पेट की बात। हम लोगों का पिछला महीना का वेतन रोक दिया गया, हमारा अनुबंध खत्म हुआ, सरकार से मिलने का जहाँ तक बात है, हम लोग कम से कम 2500 सहायक पुलिस 5 बार 6 बार रिट्वीट किए, उस पर हमारा कोई एक्शन नहीं लिया। ट्वीट किए उसके बाद 5 बार रिट्वीट किए सेम कंडीशन का जो बात हम लोगों का था। उसके बाद सर हम लोग प्रतिनिधिमंडल अपने जिले से, ये स्वीकृत प्रतिनिधिमंडल नहीं, सभी जिलों के हैं ना? हाँ सर, लेकिन लोगों के द्वारा ही चुने गए जो प्रतिनिधिमंडल हैं, ये हम लोग CM साहब से भी मिलने का कोशिश किए, वहाँ से भी हम लोगों को कोई गए, लेटर भी डाले सर, हम लोग शिकायत पेटी वाला में लेटर भी डाले, उसका कोई जवाब नहीं आया सर। उसके बाद जिले के SP साहब से भी हम लोग मिले, उन लोगों से भी बोले कि सर हमारा अनुबंध खत्म हो गया है, तो क्या हम लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं सर, हम लोग 8 दिन बिना वेतन का ड्यूटी किए हैं, मतलब हमारा अनुबंध खत्म होने के बाद कोई कोई जिला तो 21 दिन तक बिना अनुबंध का ड्यूटी किया है। सारे जिले के प्रतिनिधि जब बात करते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि आपका अगर पैर भी टूटता है ना तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो सर आप बताइए कि उस कंडीशन में हम कैसे ड्यूटी करेंगे जब हमारे जिला के कप्तान उस चीज़ का अथी नहीं ले रहे। साफ पूछे सर कि सर हमको वेतन का चिंता नहीं है, लेकिन सर हमको कुछ होता है तो उसकी क्या जवाबदेही हमारा पुलिस लेगा? तो नहीं, क्योंकि तुम्हारा अनुबंध का भी कुछ पता नहीं है, सरकार के द्वारा कोई लेटर नहीं आया गया। सर सभी लोग जो भी काला बिला लगाकर ड्यूटी किए उसका भी एक नीचे अधिकारी से लेके सर हम लोग ट्वीट के माध्यम से भी किए और यहाँ आने तक का, और कोई भी यहाँ नेता मंत्री कोई भी नेता जो है अपने जिले से, वो मतलब यहाँ का सर कोई नेता उन लोग अगुवाई नहीं किया, या 2500 जो है सब लोग अपने आप से यहाँ तक पहुँचे हैं। और सर जो मांग है हम लोगों का, सर हम लोग भी जान गए कि अस्थायीकरण वाला जो है हम लोग CMO नेता अगुवाई नहीं किया, बता रहे कौन नेता अगुवाई करेगा? नेता मतलब सर जिला का, हम लोग का जो सहायक पुलिस का नेता है जिसको सर पर्सनली टॉर्चर किया, वो लोग नहीं आए हैं? कौन सा जो सहायक पुलिस के नेता है वो लोग नहीं आए हैं सर? यही में है, वही तो हम कह रहे हैं, काफी लोग अगुवाई कर रहे हैं इसकी, यहाँ आने के बाद ना सर बात करने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है तब ना वो आ गया है, नहीं तो सब कोई तो एक ही है। जब जैसे CMO साहब के पास जाने के लिए बोला गया तो सब जिला से एक एक आदमी आए, तब वो आ गया कि हाँ हम बात करने जाएंगे, वहाँ भी पर भी गया तो सर। और हम लोग किसी भी राजनीति दल का बहकावे में नहीं सर, देखिए। और हम लोग सर CA जो रघुवर दास जी आए थे उनसे भी ये क्वेश्चन किए थे सर कि हम वहाँ अभी अपना मांग रखने जा रहे, तो वहाँ एक ही चीज़ बोला गया, आप जो मौखिक रूप में बोले कि आपको समायोजित किया जाएगा जगुआर दिवस के दिन, अगर आप ये चीज़ लिखे होते तो आज हमको यहाँ बारिश में और धूप में आकर बैठना नहीं पड़ता। सीधी नियुक्ति हम सिर्फ DGP साहब से जाकर 4 लोग भी मिलते तो हम लोगों को लिखित मिल जाता, अगर वो लिखे होते तो कि आपको समायोजित किया जाएगा, तो वो भी हमको बकवा नहीं कर रहे सर, यहाँ पेट का बात है, इसलिए हम लोग यहाँ हैं सर। आप लोग हो गए बात खत्म, और कुछ बोले और बताइए आप, सारी बातों का सार यही है ना, सारा बात यही ना कहना चाहते हैं आप लोग? हाँ जी। तो पहले आप लोगों को जब नियुक्ति हुई, हाँ, आप लोगों से बॉन्ड लिखवाया गया था, और ये आज कह रहे हैं कि हमने बॉन्ड पढ़ा नहीं, तो एक ने नहीं पढ़ा होगा, दो ने नहीं, 5 ने नहीं, 10 ने नहीं, 2300 लोगों ने बॉन्ड नहीं पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं,
बॉन्ड पढ़े थे आप लोग, और उस समय ललक होती है जरूर कि हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी चाहिए, उसकी ललक होती है। उस ललक में आपने उस बॉन्ड पे हस्ताक्षर कर दिया, और ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, पिछली सरकार होगी तो आप लोगों को खड़ा कर सकते। ये सरकार आपकी सरकार है, जनमानस की सरकार है, झारखंड की जनभावना की सरकार है, समझ गए ना, आपके साथ ये सरकार है, और आपकी उचित मांगों पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन अनुचित मांग जो होगा वो कतई स्वीकार नहीं होगा, और फिर जो रास्ता अख्तियार करना होगा वो रास्ता भी अख्तियार किया जाएगा, क्योंकि आप लोग सरासर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी उचित मांग के लिए माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से तैयार हैं, आपका विस्तार जो है सेवा का विस्तार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री तैयार हैं, आपका मानदेय भी थोड़ा बहुत बढ़ाने के लिए तैयार हैं माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन जायज तरीके से जो बात मैं कह रहा हूँ उसको आप लोग लिखित समझिएगा, मेरे मुंह से जो निकल रहा है सरकार के मुंह से वो बात निकल रही है। आपका सेवा विस्तार किया जाएगा, आपका मानदेय भी बढ़ाया जाएगा, और आपको जो अंक मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, जो साल में एक साल की ड्यूटी पर जो अंक मिलता है, जो अंक आपके रेगुलर बहाली में काम आएगा, वो अंक भी बढ़ाया जाएगा, और बाकी मांगों के लिए अगर आप लोग फिर अड़ियल रवैया अपनाएंगे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। अभी सभी आप लोग राज्य के भविष्य हैं, सभी नौजवान हैं, अगर आज आपके आचरण पर एक लाल कलम चल जाएगा तो आगे जीवन भर कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, और कानून का उल्लंघन तो आप लोग कर रहे हैं सरासर, ये कहीं से भी कोई भी अंधा भी बता सकता है कि आज कोरोना काल में इस तरह से इकट्ठा होना ही सबसे बड़ा उल्लंघन है, उसके बाद वर्दी पहन के आंदोलन करना ये भी दूसरा कानून का, मुझे जहां तक जानकारी है ये भी कानून का उल्लंघन है। हाँ, बहुत सारा इस तरह से बैरिकेड तोड़ के और कहीं किसी के यहाँ घुसने की तैयारी करना, ये सारा कानून का उल्लंघन है। आप लोग ही इसको रोकते थे ना, लाठी डंडे से रोकते थे ना, इसलिए आपकी मांगों पर ये जो मैंने कहा, आपका मानदेय भी बढ़ाया जाएगा, आपको आपका पॉइंट भी होगा, आपका सेवा विस्तार भी होगा, ये सारी चीज़ें जितना लिखित रूप से नहीं मायने रखती है उतना मौखिक रूप से मायने रखती है। आपके बीच आपका भाई, आप तो, हम तो गढ़वा के विधायक हैं, हाँ हम तो आप ही के बीच रहेंगे ना सर, इसीलिए तो आज इसलिए कह रहे हैं सर, हम जान रहे हैं कि ये झारखंड का पार्टी है, हम भी प्योर झारखंड है सर, इसीलिए जब आपका चुनाव हो रहा था आपने हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था आपने कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सहायक पुलिस को रेगुलर करेंगे सर। मेरा मैनिफेस्टो दिखा दो, दिखा देंगे सर, दिखा देंगे सर, वो भी है सर हमारे पास है सर। मैंने कहा जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी उसमें आपको 50% आरक्षण नहीं, पॉइंट आपको दिया जाएगा आपका नियुक्ति प्रक्रिया में। नियुक्ति प्रक्रिया में आपको पॉइंट जो पिछली सरकार में मिलता था उससे बढ़ाकर पॉइंट दिया जाएगा, और उसका फायदा आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोग फिट हैं, सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके आए हैं, है ना, इसलिए आप लोग इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा करिए, हमारे हाथ से आप लोग मिठाई खाइए, अपने अपने घरों को जाइए, और चलिए उस सब बात को हटाइए जो आई गई, बहुत सारी बातें गई हो गई, आप लोग उस बात को समाप्त करिए। आप लोग को मैं मिठाई भिजवाता हूँ, मिठाई खाइए खिलाइए, और अपने अपने घरों को जाइए। जो तीन बातें मैंने कही हैं वो तीनों अगर पूरी नहीं होती हैं तो मेरा जो हाल करना हो करिएगा आप लोग। सर हम लोग तो पूरा अनुशासन में थे, उसके बाद नहीं सर हम लोग कल अपने ऊपर ले लो, आप उस साइड से अपने आप को कर लीजिए, उस साइड से अपने आप को कर लो, और इस साइड से आंदोलन सर FIR भी हमारे ऊपर हुआ सर, लेकिन सारी बातों पर विचार होगा, वो सारी बातें पर विचार होगा, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, समझ गया कि नहीं बात को। आपको जो मैंने तीन बातें कही वो तीनों बातें अक्षरशः पालन की जाएगी, है ना, आप लोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा मीडिया के सामने करिए।
समझ गए। और बता देते वेतन वृद्धि होगी, बता तो रहे मानदेय की वृद्धि होगी, मैंने कहा और सम्मानजनक वृद्धि होगी। मैंने कहा कि आप लोग बातों को समझने की कोशिश करिए। कोरोना काल समाप्त होगा, अभी आप लोगों की भी जरूरत है। आप लोगों का तीन मांग, आप लोगों का इतना बड़ा इशू, आप लोगों का इतना वाइटल मांग पूरा किया जा रहा है, हाँ, कि आपका मानदेय वृद्धि की बात हो रही है, जबकि आपकी सेवा समाप्त का ये था। आपने बॉन्ड लिखा था, मेरी बात सुनो, बॉन्ड लिखा था आप लोगों ने कि हमारी सेवा के लिए हम कोई विस्तारीकरण की बात नहीं करेंगे। उस पर ये सरकार तैयार है कि आपकी सेवा का विस्तार होगा। सरकार इसीलिए तो भरोसा, इसीलिए कह रहे हैं हम, इसीलिए कह रहे हैं कि भरोसा कीजिए। इंडिकेशन लगा के सर बहुत लोगों को डिसमिस कर दिया है। नहीं होगा, वो सारी चीजों पर हम लोग विचार करेंगे। ड्यूटी कर रहे थे सर तो बुला के डायरेक्ट कमान पे है, बुला के और डिसमिस लेटर डायरेक्ट कमान दिया। वो तो पुलिस मैनुअल की बात है, पुलिस मैनुअल में तो जो लोग परमानेंट होते हैं वो भी डिसमिस हो जाते हैं, वो भी बात माना जाता है, उनसे लिखा लिखवा के स्पष्टीकरण मांगा जाता है। वैसी भी जितनी बातें होंगी, जितना केस होगा पूरे राज्य का, उस पर जो केस जेन्युइन होगा उस पर भी विचार करेंगे, उस पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए और वैसे लोगों को वापस लिया जाएगा, ये भी आप लोगों को कह देते हैं। हाँ, लेकिन जिन्होंने पूरी तरह से अनुशासन को तोड़ा होगा, हाँ, उन लोगों पर कोई विचार नहीं होगा जिन्होंने पूरी तरह से तोड़ा। आप लोगों के ऊपर जो भी FIR हुए हैं उस पर भी बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा और आप लोगों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, आप लोगों का पॉइंट बढ़ाया जाएगा, आप लोगों का सेवा विस्तारीकरण किया जाएगा। इस पर सरकार तैयार है और आप लोगों के लिए मैं मिठाई भिजवा रहा हूँ। मिठाई खाइए, खिलवाइए और अपने अपने घरों की ओर जाइए। आप लोग कानून के रखवाले हैं, आप लोग कानून की रक्षा करते हैं, कानून तोड़ रहे हैं आप लोग। ठीक है और आप लोग इतने योग्य बनिए रोज, समझिए कि नहीं समझे? हाँ बताइए। तो ये जो हम कह रहे हैं कि विस्तार, आपकी सेवा का विस्तार होगा, उसके बीच में पुलिस की नियुक्ति होगी, पुलिस की नियुक्ति में आपको अलग से उसका बेनिफिट मिलेगा, जो पॉइंट आज मिल रहा है उससे बढ़ाकर पॉइंट दिया जाएगा, समझ गए? आपकी सेवा का विस्तार ही होगा, नहीं होगा आपकी मानदेय का भी, मानदेय भी में भी वृद्धि होगी, मानदेय जो मिल रहा था वो भी बढ़ेगा। देखिए, उसलिए नहीं कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आपके तकलीफों को सरकार समझ रही है, आपके लिए सरकार है, इसलिए नहीं कि आप आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें, आप नहीं भी करते तो ये सारा चीज़ के लिए सरकार इसकी प्रक्रिया में थी, सरकार इस पर विचार कर रही थी। इसलिए आप लोग इस तरह से सड़कों पर नहीं रहिए, अपने अपने घरों को जाइए और आंदोलन समाप्ति की घोषणा आप लोग करिए, समझ गए ना? और जितनी बातें बोली है ये सरकार का कहा हुआ है, ये सारे मीडिया में रिकॉर्ड हो रहा है, पूरे मीडिया के लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर इसमें एक बात से भी पीछे सरकार हटेगी, हाँ, ये सरकार अगर एक बात पर भी पीछे हटेगी तो ये सारे लोग दिखाएंगे फिर के, देखिए सरकार अपनी कई बातों और पीछे हट रही है। सर, हम लोग तो बराबर जितना काम जिला पुलिस देता है उससे भी ज्यादा हम लोग को लिया जाता है। छह नौजवान हैं आप लोग नवयुवतियाँ हैं, नौजवान हैं, सुनिए मेरी बात, रोज दौड़िए, हाँ, तैयारी करिए, बहुत जल्द पुलिस की बहाली निकलेगी। 24 घंटा कभी कभी देखिए सीनियर SP साहब खड़े, देखिए आपके सीनियर SP साहब है, SSP साहब है, इन लोग 72 घंटे नहीं सोते हैं, 72 घंटे नहीं सोते हैं। पूछिए, जब वैसा समय आता है तो 72 घंटे सोते नहीं है, लगातार ड्यूटी करते हैं।
तो पुलिस की सेवा, पुलिस सिर्फ अपने आजीविका के लिए नहीं, पुलिस सेवा के लिए। ये मान कौन नहीं रहा, ये मान रहा है सर। प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है उसको मातृत्व अवकाश नहीं होता, विशेष अवकाश जो होता है सर वो भी नहीं दिया जाता है। वो सब सर हम कह रहे हैं जितनी बातें अभी हमने कही हैं वो बातें अगर आपको मंजूर हैं, जब बाकी बातों पर मेरी बात सुनिए। आप ये क्यों नहीं आप अपने मन में रखते हैं कि आप नियमित पुलिस बनिएगा, ये क्यों नहीं मन में रखते हैं? इसलिए मैं तो नहीं बता दे रहे हैं, बता देते हैं, सुनिए उनकी आवाज़ में नहीं बात करिए, सुनिए बात। मंत्री जी खुद चल के आए हैं, प्रेम से बात कीजिए, है ना, शांति से बात कीजिए। ये रोजगार देने वाली सरकार है, रोजगार छीनने वाली नहीं। अभी आप लोग जब हम कह रहे थे तो आप लोग कहाँ थे? जब हम बोल रहे थे कि आपका मानदेय भी बढ़ेगा, आपकी सेवा का विस्तार भी होगा, आपको जो पॉइंट मिलता है वो पॉइंट भी बढ़ेगा, प्रत्येक साल जो पॉइंट मिलता था, दो पॉइंट मिलता था ना, हाँ वो पॉइंट भी बढ़ेगा। छुट्टी पर भी विचार, आप लोग सब फिट हैं, मेरी बात सुने, एक एक करके आइए, उधर से इतना समय नहीं है। आप प्रतिनिधि, आप सब लोग शरीर से फिट हैं, आप लोग किसी से कम नहीं है। कल जो नौजवान दौड़ेगा पुलिस के लिए, बहाली के लिए, उससे आप कम है, उससे ज्यादा आप दौड़ सकते हैं, उससे ज्यादा हर चीज में ये कर सकते हैं, सुनिए मेरी बात। और उसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपके अंक में वो अंक जुड़ जाएगा, जो अंक प्राप्त करिएगा उसके एडिशनल अंक जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले आप बहाल होइएगा, सबसे पहले आप बहाल होइएगा। सर देखिए उसके पक्ष में कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए हम लोग तो जैसे जो कुछ भी मतलब पुलिस मैनुअल में होता है वो तो सर हम लोग ये ना, जैसे कि हम लोग मतलब दौड़ हुआ, मेडिकल हुआ, एग्जाम हुआ, सब कुछ तो सर हम लोग का प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो और कितना बार हम लोग एग्जाम लिखेंगे सर? देखिए हम लोग ये सरकार धोखाघड़ी की सरकार नहीं है, ये सरकार पिछली सरकार ने क्यों नहीं नियमित कर दिया? पिछली सरकार ने ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कराई, फिर सहायक पुलिस में क्यों रखा? हाँ ये सरकार आपके साथ है, बस इसकी गारंटी हम दे रहे हैं, और आपके साथ अन्याय नहीं होगा इसकी गारंटी दे रहे हैं, आपके साथ न्याय होगा इसकी गारंटी दे रहे हैं। हाँ और आप लोग यही समझिए कि हमारे घर की सरकार है और हमारे साथ सरकार है, और हमारी बातों पर, हमारी समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हो। अभी तो इतनी बात बताए हम आप लोगों को, आगे और जिस दिन सर मतलब शपथ लिया उस दिन भी बोले थे कि समान काम, आज तक भी बता दे रहा हूँ कि आज तक कभी भी माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा किसी मंच से नहीं कहा है, समझ गए, कि आपको स्थायी कर दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं कहा है। लेकिन आज मेरी बात सुनो, दिखना दिखाना नहीं है, दिखाना दिखाना नहीं है, प्रक्रिया को पूरा करना है। आगे आप लोगों के साथ ₹33 एक दिन का वेतन पड़ता है सर, 24 घंटा ड्यूटी रहता है सर, पढ़ाई किस दिन करेंगे ना सर, आप लोगों ने बंध पत्र पर, बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर किया था, उसी दिन इस बात को उठाना था, आज पर हम कह दिए, जो बात हमने कह दिया, जो बात हम बोल दिए आप लोगों को कि आपके साथ सरकार है, आपकी बातों पर पूरी गंभीरता से विचार कर रही है सरकार, और अभी तीन बातें आपकी हम मानने को तैयार हैं, आपका सेवा विस्तार, आपका मानदेय वृद्धि, आपका आपके अंक में भी वृद्धि होगी, जो अंक आपको मिलता है, और उस अंक की वृद्धि का फायदा लेके आप किसी को भी पीछे छोड़ दीजिएगा, आप सबसे पहले एक आदमी बोले, एक आदमी मौत हो गया, उसको वापस ला के नौकरी थोड़ी सर, एक बात मांग पत्र आप लोग को देखिए, आपकी मांगों पर हमने कह दिया कि बिना कहे हमने कह दिया,
कि क्या क्या आपको मिलेगा क्या क्या, और ये बात कि हम आंदोलन, आप आंदोलन कर रहे हैं इसलिए नहीं, ये भी ये गलत फहमी निकाल दीजिएगा दिमाग से। ये मेरी बात सुन लीजिए कि आप आंदोलन कर रहे हैं इसलिए आपके बीच आए हैं, ये नहीं। आप झारखंडी बेटी बेटियां हैं, आप लोग बेटे बेटियां हैं, झारखंडी झारखंड के आप लोग भविष्य हैं, और ये सरकार आपके लिए सोच रखती है। ये आंदोलन कर रहे हैं इसलिए नहीं आया हूँ आपके बीच में, ये गलत फहमी निकाल दीजिएगा दिमाग से। बस बस ठीक है ठीक है, तो हम आए ना आपके बीच, भरोसा रखिए सब अच्छा होगा। और जो कहा देखिए मेरी बात बेटा सुनो, सुनिए सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, बेटा सुनो, ये इतने मीडिया के लोग हैं ना, सब लोग देख रहे हैं, हमने जो बात कही ये आपको ये बात का फायदा मिलेगा, आपको 10,000 मानदेय मिलता था वो बढ़ के मिलेगा। देखिए हम ये चीज माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन ये आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि एक सम्मानजनक जिस पर आप सेवा दे रहे थे उससे बढ़ के मिलेगा, ये आपको हम गारंटी दे रहे हैं। चलिए आप लोग अच्छे माहौल में समाप्त कीजिए। देखिए नहीं अभी वो सब चीज पर बात, जो बात है उस पर ही बात करेंगे हम लोग, अपनी कंपनी कंपनी में अंतर नहीं रखते कि कहा है कुछ किया कुछ किया। सर हम लोग कितना साल के ले रहे हैं, सीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं मंत्री जी, आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, सीएम साहब ही बैठे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, प्रतिनिधि मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि मतलब सीएम साहब ना, सीएम साहब की बात हम कह रहे हैं, हम अपने से ये फैसला लेने वाले कौन होते हैं, हम तो पानी पिलाने वाले मंत्री हैं, हाँ हम तो पानी पिलाने वाले मंत्री हैं, हाँ हम इस सारी चीजों को कहने का हमको अधिकार नहीं है, सीएम साहब ने अधिकार दिया तब आए आपके बीच, तो सीएम साहब ही कह रहे हैं ये बात। आप लोग एक बार जिंदाबाद नारा लगाइए, झारखंड जिंदाबाद, वेतनमान कितना वृद्धि होने कराना, सम्मानजनक वृद्धि, सम्मानजनक वृद्धि मतलब समझते हैं, और वेटेज में कितना परसेंट, वेटेज भी बढ़ेगा, वेटेज भी बढ़ेगा, सम्मानजनक आपको मानदेय भी मिलेगा और सेवा विस्तार भी होगा। अब अगर बात करना है आप लोगों को, समझ में नहीं आ रही है, एक मिनट बात करना चाहता हूँ सर, हम लोग का कोई सम्मानजनक सर, सर हमारी अपनी सरकार है सर, हम लोग को पूर्ण भरोसा, इसीलिए तो कह रहे हैं, इसलिए तो सरकार आपके पास है सर, झारखंड का ही सरकार है, मेरा घर का सरकार सर, आप मेरे बड़े भैया के समान हैं, क्योंकि हम लोग खुद पलामू गढ़वा से सर, हाँ ठीक है सर, हम लोग का एक छुट्टी नहीं है सर, सबसे बड़ी बात छुट्टी कह दिए ना कि अभी आप लोग ये तीन मांगों की पूर्ति के साथ, मेरी बात सुनो ठीक, अपने अपने घरों को जाइए, बाकी बातों पर यह भी भरोसा दिलाते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री के पास आपकी समस्याओं को रखेंगे और भी बातों पर विचार होगा। ये तीन बातें आपकी हमने आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें तीन कह दी, मानदेय वृद्धि, सेवा विस्तार, और जो आपको ये मिलता है क्या बोलते हैं उसको, बैठे वो तीनों बढ़ेगा, बस चलिए आप लोग घोषणा कर सेवा विस्तार बता दीजिए। एक एक बात बोलिए ना, तो कि आप लोग के प्रति आप लोग अगर जिद करिएगा तो फिर जिद पर रहिए, आप लोगों के प्रति गंभीर है सरकार, मैंने कहा बस ये बात काफी है, सरकार गंभीर है, दूसरी सरकार रहती, मेरी बात सुनो बेटा, बेटा सुनो बेटा सुनो, दूसरी सरकार रहती ना तो एक दिन नहीं आपके सरकार के मंत्री आपके बीच में और आपके आंदोलन को कुचल दिया जाता, और क्योंकि बस इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग बस एकदम आपके लिए ही इस राज्य का निर्माण हुआ था,
आपके भविष्य निर्माण के लिए हुआ था। समाप्त करवाइए, अच्छे माहौल में समाप्त करवाइए। विचार नहीं लागू ने, हाँ ये गलत चीज नहीं बोलवाई, लागू की बात नहीं कह रहे हैं, विचार होगा किया जाए उस पर विचार करके, जो मेन पॉइंट है सर उस पर मैंने बता दिया, जो लागू हो गया ये लागू हो गया समझिए सर, जो हमने कह दिया वो लागू हो गया, आपके मानदेय की वृद्धि, आपका आपके सेवा विस्तार और आपका हम, ये तीन चीज और आप लोग घोषणा कर रहे और हम जो कह दिया ये राम नाम है, ये लक्ष्मण रेखा है, समझिए कि नहीं, हम जो हमने कह दिया मांग पत्र है सर, एक बात नहीं होगी महोदय, और ये रामबाण है, ये रामबाण है कि इससे पीछे नहीं सर, कितना बढ़ेगा सुनना चाहते हैं, एक ही बात को 10 लोगों से नहीं सुनेंगे सर, हम लोग का सो मांग पत्र सर उस पर सिर्फ काम कर दिया, मांग पत्र क्या मेन तीन यही ना, मांग पत्र पर भी विचार होगा, और ये तीन बातें सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल हम लोग का है, ये नहीं है कमिटी है सीनियर साहब के द्वारा, हम लोग को बिना बेटा भगा दिया जाता है, बेटा सुनिए सुनिए हम बात है वो सर, हम लोग सारी चीजों को मैं माननीय मुख्यमंत्री सर आज मन में डर बना हुआ है कि हम लोग जिला में जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, नहीं नहीं सर ये सबसे बड़ी डर है, इसका गारंटी दे रहे हैं, इसकी गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग जैसे सेवा दे रहे थे वैसे ही सेवा दीजिएगा, आपका सेवा विस्तार होगा, मानदेय बढ़ेगा और अंक भी आप लोग, हम लोग को 7 साल चाहिए सर, आप जब अपने साथियों से सरकार जब हमारे पास आई है सर, हम सरकार से बाहर नहीं है सर, तो बस हम तो कह रहे हैं आपको कर रहे बात हो गई है, अब आप बुलाइए फिर सरकार दूसरा रास्ता किया, आप लोग अरे थोड़ा सा आगे चलिए ना, मेरा बहन बेटा बेटी भाई सब लोग आपके साथ है, हम लोग आपकी साथ पूरी संवेदनशीलता है हमारी, आप लोग को जो कहा गया वो अक्षर से लागू होगा और बाकी मामले पर हम लोग विचार करेंगे और विचार करके आपके पीछे बता दीजिए अब क्या कहना है, आप लोग घटना करिए, एक मिनट नहीं एकदम आगे सर, बाकी अपना क्या निकला वो सहमत हुए क्या, ठीक है ऐसे ही झारखंड के युवक को उनका हक अधिकार देने के लिए ही इस राज्य का निर्माण किया गया था, और इस राज्य में आज जो सरकार है ये झारखंडी जनसरकार, झारखंडी मानसिकता और झारखंडी जनभावनाओं की सरकार है, पिछली सरकार ने जो भी गलतियां की है उसका खामियाजा ये सरकार नहीं करेगी, लेकिन युवक युवतियों के साथ झारखंड के लोगों के साथ अन्याय भी नहीं होने दिया जाएगा, पिछली सरकार ने इनको धोखे में रखकर और इनको अनुबंध पर सहायक पुलिस में नियुक्त किया था, इनके साथ इनको बॉन्ड पेपर में
बंद पत्र में इनका हस्ताक्षर करवाया था कि ये 3 साल के बाद, 2 साल और 1 साल का विस्तार के बाद ये सेवा वृद्धि की मांग नहीं करेंगे, ये किसी तरह का आंदोलन नहीं करेंगे, इन्हें एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा, उसके अलावा किसी तरह का कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। इन सारी सेवा शर्तों का पर सरकार ने हस्ताक्षर करवाया था, उसके बाद से ये अपने कामों पर थे। आज सरकार बदली है, इनका सेवा अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन सरकार इन लोगों के साथ है, झारखंड के नौजवानों के साथ है, झारखंड के बेरोजगारों के साथ है, किसानों के साथ है, उसी तरह इनके साथ भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक इनकी मांग, इनके बातों पर विचार कर रही है और इनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी, इनका सेवा विस्तार दिया जाएगा इन्हें, और इन्हें जो पॉइंट मिलता है प्रतिवर्ष उसमें भी वृद्धि की जाएगी, ताकि जब भी नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया हो ये सबसे आगे आकर और नियमित पुलिस बन सके। अब इन्होंने, मुझे उम्मीद है कि ये सहमत है, क्योंकि सभी हमारे झारखंडी बेटियां, बेटे, भाई बहन हैं और ये समझ सकते हैं कि आज इनकी सरकार है, ये भी सरकार के अंग हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये आज अपना आंदोलन खत्म करेंगे और अपने मिठाई खिलवाएंगे। मिठाई तो हमेशा खिलवाते रहते हैं हम, मिठाई खिलाने में आप लोग को भी बोलिए, खिलाएंगे आप लोग को। आप लोगों की सारी बातें, जितनी बात कोई सरकार, जितनी बात कोई सरकार नहीं मानेगी, जितनी बात आप लोगों के इतने कम समय में और इतने ये में सरकार इतने अच्छे से आप पर विचार कर रही है, इतना अच्छा बर्ताव, इतना अच्छा व्यवहार, और बातों को इतने बार बार कहे कि आपकी सरकार विचार होगा, वो हम आपको बता दिए, आगे आपकी मर्जी। आराम से